बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। पहले जल्दी से मेरी वीडियो को कर लें लाइक, और जो न्यू आए हैं वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। ओके, आज गुड़ शकर के किचन में बनने लगा है चिकन विद कैप्सिकम बेल पेपर। आज बनेगा मुर्गी और साथ शिमला मिर्च। ओके, ये मैंने ली है शिमला मिर्च, मैंने ली है 1 kg, और जो चिकन है वो मेरा 1/2 kg, और अनियन है ये मीडियम साइज़ के 2 लिए मैंने। ये गार्लिक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, और ये टमाटो पेस्ट लिया है, ये भी एक बिग टमाटर था जिसे मैंने ना क्रश कर लिए। और ये साल्ट है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ये रेड चिली, और जो हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून है, सूखा धनिया जो ड्राई वाला कोरिएंडर है वो भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और ये लिया मैंने, हाँ ये ज़ीरा मैंने लिया, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया। ओके, तो अब रेडी करते हैं हम, चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, मसाला मेरा अच्छी तरह भुन चुका है, अब इसमें जाएगा चिकन। अब चिकन डाल के हम इसे भूनते हैं अच्छी तरह। अच्छी तरह भून चुका है, अब इसमें जाएगी शिमला मिर्च। फ्लेम हम कर देंगे थोड़ी स्लो, और इसे दम पे हम पकाते हैं। ओके, ये देखिए मेरी शिमला मिर्च और चिकन अच्छी तरह हो चुका है कुक। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह भून लिया मैंने। अब इसे करते हैं डिश और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए गाइस, मेरी कैप्सिकम और चिकन हो चुका है रेडी, और बड़े यम्मी और डिलीशियस रेडी है। और साथ मैंने आज बैंगन का भर्ता भी बनाया था, ये देखिए बड़े यम्मी वाला योगर्ट, बहुत ही टेस्टी वाला था, थिक वाला योगर्ट। अब एक नई शाम मेरे भाई ने ढूंढ लिया उसका योगर्ट, वेरी गुड, इतना मज़े वाला, क्या बताओ, मीठा और डिलीशियस। और साथ ही मैंने सैलेड रेडी किया, कोकम्बर है, रेडिश है, और कैरेट है, ये मैंने किया। और ये रोटी मैं की है शक्ल, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ना। चले तो फिर हम अब करते हैं ईट। ये देखिए ऑयल कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, भूनते टाइम मुझे लगा नहीं था, मुझे कम लग रहा था। अब डालती जा रही थी, मैं गई थी ज्यादा हो जाना, ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। वाओ, मजे का डिलीशियस कैप्सिकम और चिकन, वाओ यम्मी यम्मी वाला। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ये फर्स्ट बाइट आप सबके नाम, शमी वाला बाइट, ये देखिए जी कितना जबरदस्त स्टैंडर्ड हो गया चिकन मेरा। वाह, बहुत वाटरिंग, बिग बाइट आज लूंगी, बिग वाला बाइट। ये बिग बाइट आप सबके नाम, मेरी पूरी YouTube फैमिली बना। ओके, जो कमेंट्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लाइक करने का, सब एंजॉय करे मेरा कैप्सिकम और चिकन, वाओ यम्मी वाला। बिस्मिल्लाह, टू एब्सोल्युटली डिलीशियस, वाओ, बहुत ही मजे का बना किया, मज़े ही आ गए। ये जो मेरा रहता है ना, ये भी बहुत मज़े का, एक वाइट मिस कर लेती हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इसका लूँगी थोड़ा छोटा बाइट, क्योंकि बड़ा बाइट फिर मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, ये छोटा सा क्यूट सा बाइट आप सबके नाम।
यमी, मजा ही आ गया। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ऐसे ही आप जरूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके आपका कैसे बना। जब आप मुझे कमेंट्स करते हो मैं ऐसी लगती हूँ जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ। और हमारी कल की वीडियो आपने देखी है? वो कल की देखी जो मैंने लगाई है 9 नवंबर। हाँ, 9 नवंबर इल्लामा इकबाल ने, डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल का बर्थडे था और हम उनके हाउस गए थे। वाह, हमने इतना मज़ा, इतना इंजॉय किया था जाके। उधर हमने केक भी कट किया, इतना बिग केक था, और पहले कट हो चुका था हमारे जाते एक और केक आ गया, फिर हमने भी कट किया। वो कहते आए आप भी कट करें, फिर हमने कट किया, हमारी पिक्स भी बनी, इंशाल्लाह न्यूज़ में भी आएगी, आप न्यूज़ भी हमारी देखना। ओके, हम टीवी पे आएंगे, न्यूज़ पे जियो न्यूज़, स्टार न्यूज़, स्टार न्यूज़, सब न्यूज़ वाले आए थे, हमारी वीडियो बननी थी, और हमने बहुत इंजॉय किया, केक भी खाया, और इल्लामा इकबाल साहब की पोट्री, सारी शायरी उनकी देखी, और बहुत ही हमने मज़ा आया, इंजॉय किया, उनके हाउस जाके उनके नाम का केक भी कट किया। ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और मैंने टिकटॉक में वो वीडियो भी वायरल किया, हर जगह मैंने लगाई, आप सब जगह देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी हमारी व्लॉग, क्यूट सा व्लॉग मैंने बनाया, आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। ओके ओके गाइस, अब आपसे चाहती हूँ इंशाल्लाह कल एक और नई मज़े की डिलीशियस डिश लेके फिर आ जाऊँगी। तब तक के लिए मुझे शक्कर खुदा इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान, और इल्लामा इकबाल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, आई लव पाकिस्तान।